हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास टू का ईवीएस का चैप्टर नंबर 8, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ओके, क्लास वन का जो है सेफ्टी रूल्स मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। उम्मीद है ये वाला चैप्टर भी आपको बहुत पसंद आएगा, एक्सप्लेन करने का तरीका एक्चुअली आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं इससे पहले आपसे बोलना चाहती हूँ, अगर आपने क्लास वन का बच्चों को चैप्टर नहीं पढ़ाया तो प्लीज़ आप पहले उसको कराइएगा, क्योंकि जब आप बच्चे क्लास वन का अच्छे से समझ जाएंगे, उनको अच्छे से याद होगा, एक बार रिवाइज वो कर लेंगे, तो क्लास टू का जो चैप्टर है ये भी बहुत इजी है, बच्चे इजीली इसको समझ लेंगे और आसानी से इनको बच्चों को ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइना वॉक ऑन द परमेंट, साइना वॉक ऑन द परमेंट यानी कि परमेंट पे चलो। परमेंट क्या होता है? पगडंडी, जो भी हमारे रोड साइड जो थोड़ी थोड़ी सी आपने देखा है ना, ऊंचा कुछ बना हुआ होता है, उसको हम पगडंडी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं परमेंट। बींग केयरलेस, अगर तुम केयरलेस रहते हो, कैन लीड टू एन एक्सीडेंट, तो उससे एक एक्सीडेंट हो सकता है। ओके पापा, हाँ पापा, आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगी, एंड वॉक ऑन द पावमेंट, और मैं पावमेंट पे यानी कि पगडंडी के ऊपर चलती हूँ या चलती हूँ। एक्सीडेंट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस, एक्सीडेंट जो होते हैं, जो दुर्घटना होती है, वो कब होती है? वो तब होती है जब हम केयरलेस रहते हैं, ठीक है। जब हम केयरलेस हो जाते हैं, हम जब कोई सावधानी नहीं बरतते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ गलतियाँ करते हैं, तभी एक्सीडेंट्स होते हैं। दे कैन कॉजेज इंजरी एंड हार्म आवर बॉडी, दे कैन कॉज इंजरी, इंजरी मतलब क्या होता है, कोई भी चोट लग सकती है आपको, कोई भी जख्म हो सकता है, एंड हार्म, और हमारे बॉडी को वो नुकसान पहुंचा सकता है। टू सेव आवर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम एक्सीडेंट्स, कोई भी दुर्घटना होने से अपने आप को बचाने के लिए, वी शुड बी केयरफुल, हमको केयरफुल होना होगा, ठीक है। वी शुड बी केयरफुल, हमको केयरफुल होना चाहिए। सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स क्या होती हैं? सुरक्षा के जो नियम होते हैं वो उनको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, हेल्प अस टू बी सेफ, और वो जो सुरक्षा के नियम होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं सेफ रहने के लिए। वी मस्ट फॉलो देम, हमें उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, हमें उनको ज़रूर मानना चाहिए, हाँ हमें उनका ज़रूर पालन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर बताना है। अगर आपने ये वीडियो देखा है, अगर आपको चैप्टर समझ में आता है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है। नेम फोर प्लेसेस आउटसाइड योर हाउस वेयर यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, आपको ऐसे फोर प्लेसेस के नेम बताने हैं जहाँ आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, आपके घर के बाहर, जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं, तो फोर ऐसे प्लेसेस के आपको नेम बताने हैं, नेम लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, जहाँ पर आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप अपने और भी जो फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प करेंगी, और अगर इस वीडियो को कोई बड़े जने देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों से पूछिए और उनसे टाइप करवाइए। सो उससे क्या होगा, आपके बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा, वो इजीली उसको टाइप करके बता पाएंगे कि वो कौन कौन से प्लेसेस हैं, कौन कौन सी जगह है जहाँ पर उनको केयरफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो सेफ्टी ऑन द रोड, अब हमें जब हम रोड पर जाते हैं, रोड पर हम जब चलते हैं, तो हमें कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स यानी कि कौन कौन से सुरक्षा के नियम हैं जो हमें मानने चाहिए। वॉक ऑन द परमेंट, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वॉक ऑन द परमेंट, हमें हमेशा पगडंडी पर चलना है। ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड एंड द ट्रैफिक हैज स्टॉप्ड, ऑलवेज क्रॉस द रोड, ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा हमको रोड को क्रॉस करना है। व्हेन मीन्स जब द ट्रैफिक लाइट इज रेड, जब ट्रैफिक की लाइट जो होती है वो रेड हो, लाल हो, एंड ट्रैफिक हैज स्टॉप्ड, और जो ट्रैफिक होता है वो रुका हुआ हो, स्टॉप्ड हो, ओके, तभी हमें रोड को क्रॉस करना है। फिर लुक टू द राइट, पहले हमें अपनी राइट साइड देखना है, देन लुक टू द लेफ्ट, फिर हमें अपनी लेफ्ट साइड देखना है, फिर अगेन लुक टू द राइट, फिर हमें दोबारा से अपने राइट साइड देखना है। बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करने से पहले हमें अपने पहले राइट साइड देखना है, फिर लेफ्ट साइड देखना है, फिर से राइट साइड देखना है, और फिर हमें रोड को क्रॉस करना है। क्रॉस इट ओनली व्हेन देयर इज नो व्हीकल कमिंग, क्रॉस इट ओनली, हमको हमें सिर्फ तभी क्रॉस करना है जब हमें लगे कि वहाँ से कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी, जैसे कि कार हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रक हो सकता है, कोई भी वाहन वहाँ से ना आ रहा हो, तभी हमें रोड को क्रॉस करना है, ठीक है। ये एक छोटी सी पोयम है, ओनली 4 लाइन्स की, आपको इसको याद करना है, ये भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई भी आपके स्कूल के अंदर
कंपटीशन वगैरह हो सकता है, अगर आप इजीली इसको याद करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। ठीक है, आगे और देखते हैं इसके अंदर और क्या है। नेवर रन अक्रॉस द रोड, और हमें रोड पर कभी भी रन नहीं करना है, हमें रोड पर कभी भी दौड़ना नहीं है। क्रॉस द रोड ओनली एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और हमें रोड को कहाँ से क्रॉस करना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। ज़ेब्रा क्रॉसिंग कौन सी होती है, ब्लैक और वाइट लाइंस आप देखते हैं वही हमारी ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ्टी वाइल प्लेइंग, जब हम खेलते हैं तब हमें कौन कौन से प्लेइंग के टाइम पे हमें कौन कौन सी सेफ्टी के नियमों का हमें पालन करना है, जैसे कि डू नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पर नहीं खेलना है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमें उनके साथ में नहीं खेलना है। शार्प ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, नाइफ होता है, और जैसे कि नेल कटर हो गया, बच्चे बहुत सारे बच्चे नेल कटर के साथ में भी खेलते हैं, उनके साथ में बच्चों को नहीं खेलना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके घरों के अंदर जिनके कॉर्नर होते हैं, जिनके कोने होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, उन चीज़ों के साथ में आपको नहीं खेलना है। फॉलो द रूल्स ऑन द ऑफ द गेम, कोई भी गेम जो भी आप गेम खेल रहे हो उसके आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न ऑन साइड एंड स्विंग्स, जब भी आप साइड्स और स्विंग्स वाला गेम खेलते हैं तब आपको पेशेंटली यानी कि शांति के साथ में आपको वेट करना चाहिए। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग स्विंग, आपको किसी भी मूविंग स्विंग यानी कि जो भी बच्चे झूला झूल रहे होते हैं, जब वो मूव कर रहा होता है, जब वो आगे पीछे हो रहा होता है, उस टाइम पर आपको वहाँ उसके सामने खड़े नहीं होना है। ठीक है, नेवर पुश अदर फ्रॉम अ स्विंग साइड और सीसा, आपको कभी भी किसी को पुश नहीं करना है जब वो स्विंग वाला गेम खेल रहा है, स्लाइड वाला गेम खेल रहा है, या फिर सीसा खेल रहा है। जैसे कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो पुश करेगा तो क्या हुआ, एकदम से वो नीचे गिरेगा और फिर क्या हो जाएगा, उसकी चोट लग जाएगी, आपके फ्रेंड की भी चोट लग सकती है, तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी है। डू नॉट प्ले और हाइड इन डार्क और लोनली प्लेसेस, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी डार्क जगह पर जो कि बहुत जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, ऐसी जगह पर ना तो खेलना है ना छिपना है, और जो जगह पर जहाँ पर कोई भी नहीं होता है, जो लोनली होती है, जो अकेली जगह होती है ना, जहाँ पर आपको कोई भी ना दिखे आसपास, आपको उस वाली जगह पर खेलना भी नहीं है और छिपमानी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या हो सकता है, यहाँ से आपको कोई उठा के भी जा सकता है, तो आप किडनैप हो सकते हो, आपकी चोट लग सकती है। ठीक है, ऐसी जगहों पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपके चोट लग जाती है या कुछ भी हो जाता है तो आपकी फ्रेंड्स को भी नहीं पता लगेगा कि आप कहाँ पर हो, और ना ही आपके पेरेंट्स को पता लगेगा। तो हमें हमेशा कहाँ पर खेलना है, जहाँ पे हमारे आसपास सभी लोग हों, हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे पेरेंट्स हों, हमारे अंकल आंटीज़ हों, हमें वहीं पर देखना है, वहीं पर खेलना है, वहीं पर छुपना भी है, उसी एरिया के आसपास, अकेली जगह पर कभी भी नहीं जाना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। साइकिल इनसाइड अ प्लेग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड, और हमें साइकिल चलानी है प्लेग्राउंड के अंदर, रोड पर नहीं चलानी है। फ्लाई काइट्स इन ओपन फील्ड्स एंड नॉट ऑन द रूफ टॉप, और हमें जो हमें फ्लाई करनी है अपनी काइट को, यानी कि अगर हमें पतंग को उड़ाना है तो हमें कहाँ पर उड़ाना है, पतंग को खुले मैदान के अंदर, ठीक है, ओपन फील्ड के अंदर, अपनी छत के ऊपर जो होता है हमें पतंग को नहीं उड़ाना है। डू नॉट प्ले नियर ओपन मेन होल्स, जो भी मेन होल्स होते हैं जो रोड के आसपास कभी कभी बने हुए होते हैं, और अगर वो ओपन है तो हमें उनके आसपास भी नहीं खेलना है, क्योंकि आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी ना कि मेन होल के अंदर बच्चे गिर जाते हैं, फिर उनको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। सो एक और फन एक्टिविटी आपके लिए है, इसमें क्या है, जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है उसके ऊपर आपको राइट टिक करना है, और जो भी क्रॉस है यानी कि रॉन्ग है उसके ऊपर आपको क्रॉस करना है। तो आप इसका मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर देंगे, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा है तो आप उस पर नंबर 1 डालेंगे और उसको राइट या क्रॉस करेंगे, या फिर येस और नो भी आप लिख सकते हैं। अगर करेक्ट है तो आप उसको लिखेंगे येस, अगर रॉन्ग है तो आप उसको लिखेंगे नो। ओके, सो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इजीली, एक्टिविटी आप बच्चों को करा सकते हैं। उसके बाद में हम इसमें से एक और ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, सेफ्टी एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए, सुविधा के कौन कौन से नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। डू नॉट कीप योर बॉटल एंड बैग ऑन द फ्लोर, इट ब्लॉक्स द वे फॉर अदर्स,
डू नॉट कीप योर बॉटल एंड बैग्स, आपकी जो बॉटल्स होती हैं, जो आपके बैग्स होते हैं, उनको हमें फ्लोर पे नहीं रखना है, ज़मीन पे नहीं रखना है। उससे क्या होगा, जो और भी जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनका रास्ता रुक सकता है। डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क एंड चेयर, और हमें चेयर और डेस्क के ऊपर खड़े नहीं होना है, क्योंकि अगर आप डिसबैलेंस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप गिर जाएंगे और आपकी चोट भी लग सकती है। डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क एंड चेयर, ठीक है। नेवर फाइट विद अदर्स और बुली देम, आपको कभी भी किसी के साथ में फाइट नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, और ना ही उनको बुली करना है। बुली मीन्स क्या होता है, ना ही उनको चिढ़ाना है, उनको परेशान नहीं करना है। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स और ऑन द स्टेयर्स, आपको कॉरिडोर में यानी कि स्कूल की जो गैलरी होती है उसके अंदर रन नहीं करना है, और ना ही आपको स्टेयर्स पे जो भी सीढ़ियाँ होती हैं उनके ऊपर भी आपको दौड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी चोट लग सकती है, और अगर आपके आगे पीछे कोई बच्चा है तो उसके भी चोट लग सकती है, वो भी आपके धक्के के साथ में गिर सकता है। ऑलवेज लिसन टू योर टीचर्स, हमेशा आपको अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए, जो भी आपके टीचर्स बोलते हैं आपको हमेशा उनको सुनना चाहिए। नेवर ब्रेक अ क्यू ऑफ पुश अदर वाइल वेटिंग इन अ क्यू, आपको कोई भी क्यू को नहीं तोड़ना चाहिए। कोई भी अगर आप लाइन बनाते हैं अपनी प्रेयर के लिए या स्कूल से घर आने के लिए, तो उसको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, और ना ही कभी किसी को पुश करना चाहिए जब आप लाइन में वेट कर रहे हैं।